हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। सुभाष बाबू को हमेशा एक वीर सैनिक और कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता, भारत को देखने के लिए वो विदेशी चश्मा न होता, तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले।